morning, Jai Jagannath. Welcome back to my new vlog. What's the one time early? Morning part of my day. I think we'll be a short ride of plan with my creator brothers. What a minute. I'm not ready. हाँ भाई निद्दो भांगू नहीं की चलिए मोर को रईडर टूटी करवाई दीप्य रंजन रेडी 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 हाँ कर दे ना तब कर दियो रन करो इंटरकम आमर पेयरिंग होगा बर्तमान यू आम ऑफिशियल राइड स्टार्ट पियो चाय पियो चीनी पियो हाँ वाह भाई कोड़े बुगड़ा हिल हमें कॉर्सिंग चक्कर हो चला हाँ पढ़ गोले बाकी सब ताकि घोटे घाटे पड़े लीजिए जा की वर्षा जो बाधा प्राप्त पाई आम राइड ये हैला मिस्टर शंकर भाई नवविवाहित नवविवाहित आम चिन्ह दिव्य भाई कहीं पिला भाई सुनील मो प्रवीण वर्षा सत्वे से फोटोग्राफी व्यस्त 25 जे जिबाडा पड़छे खराब क्लाइमेट रे जाय हो ना नहीं भुवनेश्वर 56 नयागढ़ 36 श्रीराम मंदिर को रास्ता भाई पूरा से पहाड़ोपुर जा पड़े तो ऑफरोडिंग 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 चले चलो राइडर जा सब पहुंच जाई जोंदी खोरदा वाला राइडर खेल ले देखा नहीं धर भोक प्रबल हाय
ସବୁ ଆସିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଟି ଆସିଗଲେ ସବୁ ଯାଏ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଫତେହଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। हेलो चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। मंदिर सब हेले ओडिशा रो गोटे आगधाड़ी रो कंटेंट क्रिएटर भाई को तो चिन्थिबो इंस्टा रे पूरा खेलो शेखर भाई। ये होती आमर संस्कारी ओडिशा रो सब एक तरफा खेलो करचोंदी। ये अभी भाई सब गंजाम टोका रोला हबो भाई भलो मंदिर फोटो शूट करछन्नी काई भाई देखले भाई जन आनी नयागढ़ स्पेशल पढ़ो। अच्छा अच्छा छेला पड़ो नुओ कोन माली पड़ो कोची छेला पड़ो ना छेला चार बजे आसे जो है जो पड़ो ना कदल उड़ा के छे हल्का हल्का खायो का। अरे भाई एतो उड़ा भाई हल्का हल्का पाए खायो का झन झन हिसाब रे जदी 100 ग्राम लगाई खायो 10 जन आराम से बळे कित्ते ला खायो जाने 50 ग्राम। बर्तमान मंदिर दर्शन सरला पोड़ भोग चल जो टाइप क्लाइमेट अच्छे मानने पवन एगार तो पहाड़ टॉप रो अच्छी मंदिर जो क्लाइमेट बहुत बढ़िया। गोवर्धन पर्वत ऊपर आम श्रीराम मंदिर तले रहा फतेहगढ़ से दूर देखा जाम महानदी जो नीलबाधव मंदिर अच्छी कंटील कंटील जीवा तो आप जीवा कंटील अभी ये हो जी हमरो आज रो जति सब बाइक रो लाइन अप जय जवान। शेखर भाई किछडा नुवा ट्राई करछंदी हेलमेट धरिकी थी बहुत सारा टाइम स्पेंड करला परे किछि रील आ किछि फोटो शूट फैशन सला अबे जीवा कर जीवा भाई कंटिलो नीलमाधव रे चलो खराबी आसलानी अन्यतम पुरातन जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ पुरी मंदिर नीलमाधव जड़ित माने आपण कहि परिबे पुरी जगन्नाथ मंदिर रो समसामयिक समय रो मंदिर नाही 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 हां तारु पुरना हां तारु पुरना जदि कंटिलो नीलमाधव नथा जगन्नाथ मंदिर एबे जीवा नीलमाधव आ जीवा भाई लंच ब्रेक बाटर करियो ना
चलो भाई कौन बढ़िया लगला भाई से राम मंदिर छाड़ू आम ओडा को आसतु राम मंदिर देख नेक्स्ट शॉट सब ड्रोन शॉट ड्रोन शॉट बसिली चलो चलो जय श्री राम का हुआ सब गोटे रो रे जियो मु ग्रुप मु पछु क्लोज करी जेबी वीडियो ना करता गोटे गोटे रो रे लाइन ता चलियो आ गया समस्ते आइसक्रीम खाइबार व्यस्त ना 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 आसी पहुँचीच आम कमिटी लगे चप्पल चप्पल चोरी हेलमेट चोरी भाई सर कह गंडल क्या कहूनी से पिला लोक आम गोटे गाड़ी कोड़ी टाइम लगे ना चप्पल गाड़ी हेलमेट सह आपड़ी मतलब जुक्ति करके कहना भी नि मना ना लिखीदे क्लीयर टिकेट आपतु ये गहली अच्छी बोली मुझे नौनी ये सुविधा रखिले पाए चलो ठीक है चलो चलो अभी अभी छाओ छाओ छाड़ बर्तमान आम अच्छे नीलमाधव कंटिलो रे कंटिलो नीलमाधव नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट जहाँकि आम दर्शन सरी जाइए नीलमाधवर इतिहास तो पूरी जगन्नाथ मंदिर ठू भी ढेर पुराण कहीं कह जाए विश्वबसु जी सबर राजा थे सी ये पूजा करते महानदी आई थिंक राइट साइड रही नीलमाधव मंदिर आई जगह कहुए ओडिशार त्रिवेणी संगम
କାହିଁକିନା ଏଠି ତିନିଟା ନଦୀ ମିଶିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁଆଁରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁସୁମ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ତା'ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ଆହୁରି ପୁରୁଣା, ତ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆର ଇତିହାସ କେତେ ନିଆରା ହେଇଥିବ। ମନ୍ଦିର ବି ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଇଣ୍ଡବାଦ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏକ ତ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମହାନଦୀ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ। ମନ୍ଦିର ମହାନଦୀର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ମହାନଦୀର ଭ୍ୟୁ ଚମତ୍କାର। ପାର୍କିଂ ସ୍କାମ୍ ବି ଆମେ କହିବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସ୍କାମ୍ ତ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୀଳମାଧବର ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଥର ବି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେବେ ବି ଭଲ ହୁଏନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ, ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଭାଇ ତ ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ପାର୍କିଂରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ନ ହେବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରଖିକି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ତ ଆମେ କହିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେହେତୁ ଟୁରିଜିମ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତ ଏଠିକି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ଇତିହାସ ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରା। ତ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଲୋକ, ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲରୁ ଆସିଲେ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆସିବେ ପଳେଇବେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, କେବଳ କେବଳ ଟୁରିଜିମ୍ର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନିଟି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି, ତା'ର ଏଠି ଆମେ କଥା ହିଁ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଯଦି କାମ ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଦାନା ଦିଆ ହବ ଦାନା।